आज हम बना के लाए हैं बहुत ही मस्त रेसिपी। तो आज हम ब्रेड का रेसिपी बनाए हैं, तो बहुत ही इजी बनाने में है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। बच्चे बड़े सभी बहुत चाह से खाएंगे, तो ट्राई कीजिएगा। अक्सर गर्मियाँ के छुट्टियाँ में बच्चे को ज़्यादा घर पर रहते हैं तो भूख लगता है, तो बहुत ही ईजी ये रेसिपी है। इसको ट्राई करके बच्चे बड़े सभी को खुश कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो सबसे पहले हम लिए हैं ये ब्रेड। तो आज का रेसिपी जो है ब्रेड से बना हुआ है। तो ये देखिए 5 से 6 हमने ब्रेड ले लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस तरह से कटोरी या गिलास कोई सा भी बड़े फन का, जितना कि ब्रेड में हमें सेट हो सके उतना फन का हमें ले लेना है। और इस तरह से हमें कट कर लेना है, जितना आप बनाना चाहते हैं उतना इसी तरह से सारे को कट कर लीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया से गोल आकार कट गया है। अब इसी तरह से एक और काट के बताते हैं। तो देखिए अगर बड़े साइज़ का ब्रेड है और बड़े साइज़ के कटोरे या गिलास है तो उससे कट कर कीजिएगा। अब लीजिए इसे हम कट ले सारे को हम इस तरह से काट लिए हैं। और ये बचे हुए एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो इसे क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार में इसे हम रख लेंगे जितना कि इसमें आ सके। अब इसे हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए इसे हम ग्राइंड कर लिए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे जो बचा हुआ है सारे को हम ब्रेड क्रम्स बना के पहले तैयार कर लेंगे। तो देखिए सेकेंड बैच भी हमने पीस कर तैयार कर लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इसे रखते हैं साइड में। अब एक बॉल लिए हैं, मिक्सिंग बॉल में डालेंगे आलू। तो आलू हमने ग्रेट करके लिए हैं ताकि इसमें कोई बड़े टुकड़े ना रहे। तो बिल्कुल फाइन सा हमें आलू का पेस्ट बनाना है स्टफी। तो देखिए इसे हम ग्रेट कर लिए हैं, आप भी ग्रेट करके लीजिएगा। अब इसे रखते हैं पहले साइड में, चलते हैं इसके लिए बढ़िया से चटपटा से चटनी बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल नए तरीका से हमने चटनी बना रहे हैं। तो ये है पनीर। तो पनीर को हमने एक मिक्सी जार में लिए हैं। अगर आपके पास चीज़ है तो थोड़ी सी चीज़ डाल लीजिएगा, बहुत ही बेस्ट बनेगा। 2 से 3 हमने लहसुन के कलियाँ डाले हैं, थोड़ी सी काली नमक, थोड़ी सी वाइट नमक यानी कि रोज़ का इस्तेमाल वाले डाल लिए हैं टेस्ट के हिसाब से। अब इसमें डाल रहे हैं भुने हुए जीरा पाउडर। आप चाहे तो पिज़्ज़ा सेजवान जार डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं है तो हमने भुनी हुई जीरा पाउडर का इस्तेमाल किए हैं। अब बिल्कुल ताज़ी फ्रेश हमने दही लिए हैं आधे कटोरी के करीब, सारे को डालकर हम बढ़िया से इसे पीस लिए हैं। तो लीजिए ये हमारा बहुत ही चटपटा सा, बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी चटनी बनकर तैयार हुआ है। तो ट्राई कीजिए फ्रेंड, एक बार इस तरह से बर्गर पिज़्ज़ा के साथ या और अन्य किसी भी रेसिपी के साथ बहुत मस्त लगता है। तो ट्राई कीजिएगा, कोई सा भी रेसिपी बना रहे हैं घर पे, कोई मेहमान आ रहे हैं तो इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा। तो इसे हम एक बॉल में निकाल लिए हैं। तो देखिए तो इसे हम रखते हैं साइड में। अब चलते हैं, जो हमने आलू लिए थे उसे हम ले लिए हैं। अब इसमें कुछ हम सब्जियां या मसाले डालेंगे। सब्जियों में हम ज़्यादा कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, बस ये बड़े साइज़ का प्याज को हमने बारीक सा काट लिए हैं। आप चाहे तो चॉपर में काट लीजिएगा ताकि बढ़िया से फाइन चॉप हो जाए। तो ये प्याज लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च है। तीखी खाते हैं तो डालिए, वरना कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये डाले हैं हम अदरक लहसुन को ग्रेट करके डाल लिए हैं। थोड़ी सी चाट मसाला डाल लिए हैं, आप चाहे तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। ये भुनी हुई जीरा पाउडर इसमें भी डाल लिए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब थोड़ी सी जो हमने बेसिक सा मसाला होता है, जैसे कि ये भुने हुए जीरा पाउडर डाले हैं, हल्दी पाउडर कलर के लिए, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाले हैं। तो हरी मिर्च हमने डाल लिए हैं, आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं या तो स्किप कर सकते हैं। ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लिए हैं, सारे को कर देंगे मिक्स बढ़िया से पहले। तो ये देखिए इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल गर्मियाँ की छुट्टी चल रहा है, बच्चे को एग्ज़ाम हुआ है तो घर पे हैं, तो बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं। तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत चाह से खाएंगे, खुश भी रहेंगे और पेट भी भरा रहेगा और साथ में टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी है। तो अब देख सकते हैं इसमें हम ब्रेड क्रम्स जो बना के रखे थे थोड़े थोड़े करके हमने पूरा इसमें इस्तेमाल कर लिए हैं, थोड़ा भी नहीं बचा है, सारे को हम इस्तेमाल कर लिए हैं। जैसे कि आप जैसे आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ये गीला है तो इसमें डालिएगा, अगर लगेगा सही है तो छोड़ दीजिएगा,
लेकिन हमारा जो ब्रेड क्रम्स है पूरे लग गया है। अब इस तरह से लोई हमें बना लेना है। जैसे आप देखें हमने लोई बनाए हैं। अब क्या करेंगे, जो कट किए हुए ब्रेड हमने रखे हुए हैं उस पर हम इस तरह से पानी बढ़िया से लगाएंगे ताकि जो हमने चोखा लगाएंगे वो बढ़िया से चिपक जाए। अब देखिए ये लोई लिए हैं, इसे हम बढ़िया से चपट करेंगे। जितना कि ब्रेड हमारा है उतना ही हम इसको भी फैला लेंगे इस तरह से। तो देखिए बिल्कुल ब्रेड का शेप में हमने इसे फैला लिए हैं। अब उसे हल्का सा दबाते हुए इसे बढ़िया से बराबर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना मस्त हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। तो बहुत ही मस्त ये बनता है और ये बिल्कुल भी नहीं ये हटेगा इससे स्टफी, ये बिल्कुल चिपक गया है पानी लगाए हैं इस कारण। अब इसी तरह से दूसरा भी हमने ले लिए हैं ब्रेड। अब इसी तरह से इस पर भी पानी देखिए इस तरह से लगा लेंगे बढ़िया से, और इसी तरह से इसका भी चपटा कर हम बराबर से ब्रेड जितना हमारा ब्रेड का स्पेस है उतना ही इसे कर लिए हैं, और इसे भी हम देखिए इस तरह से बना लिए हैं। तो है ना इजी, बहुत ही इजी ये बनता है और बहुत ही बेस्ट लगता है फ्रेंड। तो हम तीन इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तब तक हम चलते हैं, तवा चढ़ा लिए हैं। अब ये तवा हमारा बढ़िया से गर्म हो जाएगा तो इसमें ले लीजिए बटर, घी, तेल, जो भी आप चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप ले लीजिए। हम ले लिए हैं घी। बढ़िया से हमारा तवा गर्म हो गया है तो इस तरह से हम जिस तरह से हमारा स्टफी लगा हुआ है उस तरह से इस तरह हम रख लेंगे उसी तरफ से ताकि बढ़िया से सिक जाए। तो ब्रेड भी हमारा सेका हुआ रहता है और आलू भी उबला हुआ रहता है, कच्चे कोई चीज़ भी नहीं, हल्का सा मसाला डाले हैं तो इसी कारण हमने स्टफी वाले भाग जो हम नीचे रखे हैं और ब्रेड का ऊपर रखे हैं। और इस तरह से हम इस पर भी घी को ग्रीस कर लेंगे ताकि ये भी क्रिस्पी और बढ़िया से सिक जाए, बढ़िया कलर आए। तो सारे पर हमने इस तरह से घी को ग्रीस कर लिए हैं। अब देखिए अब पलट लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ज़्यादा लो भी नहीं करना है, और इसी तरह से हमें बढ़िया से सेक लेना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटा बनता है फ्रेंड। जैसे आप देख रहे हैं कि इसका स्टफी से ही पता चलता है कि कितना टेस्टी और कितना चटपटा बनेगा। तो देखिए इस तरह से हम पलट लिए हैं और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही किए हुए हैं, और देखिए हाथों से भी इसे हम इस तरह से घुमा रहे हैं। बहुत ही इजीली है बनता है, चिपकता भी बिल्कुल भी नहीं है। तो लीजिए उलट पुलट कर हम दोनों तरफ से क्रिस्पी फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं। बचे हुए बैच जो हमने तीन और तैयार करके रखे हुए हैं उसे भी हम इस तरह से सेक लेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो उसी तरह से हम इसको भी बढ़िया से हम सेक लिए हैं, अब इसे भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो चलिए सर्व किए हैं। देखिए बताइए कैसा लगा हमारा रेसिपी फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त और इजी है। तो ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े सभी को खुश कीजिए। तो चटनी में हम थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए इसमें कूटी हुई लाल मिर्च डालकर इसे मिला लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मन है तो डालिए, ये तो स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो लीजिए हमारा बिल्कुल भी नाश्ता कहिए, ब्रेकफास्ट कहिए या सुबह का लंच कहिए तैयार है। तो देखिए इंजॉय कीजिए, बनाइए और अपना राय हमें साझा ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर हमारे रेसिपी आज का ब्रेड का ये जो है अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा रेसिपी हमारे फैमिली मेम्बर को कैसा लग रहा है और कौन सा राज से आप देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए कितना क्रिस्पी कितना मस्त बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब एक काट के दिखाते हैं हम। तो देखिए बहुत ही इजीली ये कट भी रहा है, मेरे तो मुँह से पानी आ रहा है। बिल्कुल आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी मुँह से पानी ज़रूर आ रहा होगा। तो ट्राई कीजिए और अपना राय हमसे साझा ज़रूर से कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छा है तो भी, ख़राब है तो भी, अच्छा है तो हमें खुशी मिलेगा कि हमारा बताया हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर ख़राब है तो ज़रूर से बताइएगा, उसे हम सुधारने की कोशिश ज़रूर से करेंगे। अब लीजिए चटनी के साथ इस तरह से सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए ऐसे ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।